नाश्ता दिन का पहला खाना है जो आमतौर पर सुबह में खाया जाता है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेकफास्ट रेसिपी, जिसमें हम अंडे की ये मज़ेदार टेस्टी रेसिपी बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेंगे। मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करूँगी। ज़ीरा का फ्लेवर आ गया है तो मैं इसमें 2 बारीक कटी हुई प्याज मिला रही हूँ। प्याज का बहुत ही अच्छा टेस्टी फ्लेवर आता है, तो प्याज को हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसे स्टर करना है, भूनते रहना है प्याज को। यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है। मैं इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करूँगी, लाल मिर्च जिसको मैंने चॉप कर लिया है। खड़ी लाल मिर्च का टेक्स्चर बहुत अच्छा आता है, इससे बहुत ही मज़े का बनता है। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के आलू। ये कच्चे आलू हैं जिनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ये हम इसमें मिला देंगे। अब इन्हें अच्छे से भून लेते हैं ताकि आलू प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए। मैं इसमें 2 बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड कर रही हूँ। अब इन्हें भी अच्छे से भून लेते हैं ताकि प्याज टमाटर सब अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, कलर इससे बहुत अच्छा आएगा, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक। नमक अपने जायके के हिसाब से आप ऐड करिएगा। सभी मसाले मिलाने के बाद हम इन्हें भून लेते हैं ताकि मसाले का कच्चापन निकल जाए। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि जो हमारी जो ग्रेवी है वो जले नहीं। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, और इन्हें अच्छे से मिक्स करके हम कवर कर देंगे, 2 मिनट पका लेते हैं। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से भून चुकी है और आलू भी गल गया है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया कटा हुआ ताकि अच्छा फ्लेवर आए, टेस्ट आए। हमें इतनी देर पकाना है कि आलू गल जाए। मैं इसमें चीज़ ऐड कर रही हूँ, ये मोज़रेला चीज़ है। आप कोई भी चीज़ का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, टेस्ट अच्छा आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडा। एक एक अंडों को हम इस तरीके से तोड़कर ऐड करेंगे। इसमें हल्का सा स्पेस बना लेंगे। सारे अंडों को मैंने इसमें ऐड कर दिया। मैंने इसमें तकरीबन 5 अंडों का इस्तेमाल किया है। और इस पर हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे, लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करूँगी, हल्का सा मैं कसूरी मेथी पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा फ्लेवर। और हरा धनिया हम गार्निशिंग करेंगे, हरी मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ, और इन्हें कवर करके हम लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि हमारा जो ये अंडे की रेसिपी है वो तैयार हो जाए। 2 से 3 मिनट बाद आप देख सकते हैं अंडा अच्छे से कुक हो चुका है, तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। अंडे की इस मज़ेदार रेसिपी को आप पराठे या फिर चपाती के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।